पीएम मोदी का आदेश, सीएम योगी ने मान लिया फैसला और बीएचपी और संघ ने उसके बाद मानी बात। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को लेकर अचानक आ गया बड़ा फैसला। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज, मैं हूं आपके साथ रोहित। अब ये फैसला क्या है? दरअसल इस वक्त देश में एक तबका नाराज चल रहा है कि उसे निमंत्रण नहीं मिला है। एक तबका ऐसा है जो कि निमंत्रण पा चुका है, लेकिन वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाना चाहता है। इसी बीच अयोध्या में 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसमें तमाम साधु संतों को बुलाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे, देश के तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। राम भक्त भी अयोध्या 22 जनवरी को पहुंचना चाहते हैं और सदियों का सपना जो पूरा हो रहा है उसे अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। लेकिन अब बीएचपी और संघ ने यह आदेश दे दिया है कि 22 जनवरी को आपको अयोध्या नहीं आना है। जी हाँ, निमंत्रण भेजा जा रहा है लोगों को ये बताने के लिए कि आपको अयोध्या जी 22 जनवरी और 23 जनवरी को नहीं आना है। खबरों के मुताबिक राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जानकारी देने के लिए घर घर अक्षत निमंत्रण भेजा जा रहा है। निमंत्रण में पूजित अक्षत, प्रभु राम का चित्र और पत्रक दिया जा रहा है। पत्रक के द्वारा अपील की गई है कि लोग प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या ना पहुंचे, 22 जनवरी को अपने घर के पास के मंदिर में आयोजन करें, दीपावली जैसा उत्सव मनाएं। तो ये आदेश इसलिए जारी किया गया है, ये निमंत्रण इसलिए भेजा जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अयोध्या ना पहुंचे, भीड़ ना हो और प्रशासन को दिक्कत ना हो। आपको बता दें कि इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने फैसला लिया था कि अयोध्या में जितने भी धर्मशालाएं हैं, जितने भी होटल्स हैं, जो प्री बुकिंग थी, सभी कैंसिल कर दी जानी चाहिए, क्योंकि किसी भी तरीके की कोई भी कोताही सीएम योगी आदित्यनाथ 22 जनवरी को नहीं बरतना चाहते हैं। हाई प्रोफाइल मामला है, रामलला विराजमान हो रहे हैं, सदियों की लड़ाई को अब जीत मिली है, तो ऐसे में कानून व्यवस्था भी 22 और 23 जनवरी को कायम रखना सीएम योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसीलिए बहुत चुनिंदा लोगों को निमंत्रण भेजा गया है और जिन्हें निमंत्रण नहीं मिला है वो नाराज चल रहे हैं। जैसे ठाकरे परिवार, उद्धव ठाकरे को निमंत्रण नहीं गया है, संजय राउत को निमंत्रण नहीं मिला है, तो वो सब नाराज चल रहे हैं और इसे बीजेपी और पीएम मोदी का कार्यक्रम बता रहे हैं। संजय राउत तो यहां तक कह रहे हैं कि बीजेपी अब भगवान श्री राम को उम्मीदवार भी बना सकती है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को लेकर इस वक्त राजनीति हो रही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 30 दिसंबर को अयोध्या पहुंचे थे, एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था, रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया, इसके अलावा करोड़ों की सौगात अयोध्या धाम को दी, तो इस दौरान उन्होंने सभी से हाथ जोड़कर अपील भी की थी और कहा था कि आप 22 और 23 जनवरी को अयोध्या ना आएं, क्योंकि अयोध्या में बहुत भीड़ होगी। 22 और 23 जनवरी के बाद आप किसी भी दिन प्लान कर लीजिए, अयोध्या आइए, रामलला के दर्शन कीजिए, लेकिन 22 और 23 जनवरी को ना आइए। अब पीएम मोदी ने मंच से ये बात कही तो सीएम योगी ने इस पर अमल किया और फैसला ले लिया, जिसके बाद बीएचपी और संघ ने सभी को ये आदेश दे दिया कि 22 जनवरी को आपको अयोध्या नहीं आना है। अक्षत निमंत्रण भेजा जा रहा है और पत्रक के द्वारा लोगों को सूचित किया जा रहा है कि 22 जनवरी को अयोध्या में आपकी नो एंट्री है। फिलहाल अगर आप भी अयोध्या जाने का प्लान कर रहे हो 22 या 23 जनवरी को, और अगर आपने होटल बुक करा लिया हो, धर्मशाला बुक हो, तो उसे कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि अयोध्या में योगी सरकार का आदेश है कि किसी की भी नो एंट्री नहीं होगी। बाकी 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ लोगों से हाथ जोड़कर क्या कुछ कहा था वो भी सुन लीजिए, और इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथियों, ये ऐतिहासिक क्षण, बहुत भाग्य से हम सभी के जीवन में आया है। हमें देश के लिए नव संकल्प लेना है, खुद को नई ऊर्जा से भरना है। इसके लिए 22 जनवरी को आप सभी अपने घरों में, मैं पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों को अयोध्या की इस पवित्र भूमि से प्रार्थना कर रहा हूं, अयोध्या की प्रभु राम की नगरी से प्रार्थना कर रहा हूं, मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं।
22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। लेकिन साथ ही मेरे सभी देशवासियों से एक करबद्ध प्रार्थना और भी है, हर किसी की इच्छा है कि 22 जनवरी को होने वाले आयोजन का साक्षी बनने के लिए वो स्वयं अयोध्या आए, लेकिन आप भी जानते हैं कि हर किसी का आना संभव नहीं है। अयोध्या में सबका पहुंचना बहुत मुश्किल है और इसलिए सभी राम भक्तों को, देश भर के राम भक्तों को, उत्तर प्रदेश के विशेष करके राम भक्तों को मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम के साथ प्रार्थना है, मेरा आग्रह है कि 22 जनवरी को एक बार विधि पूर्वक कार्यक्रम हो जाने के बाद 23 तारीख के बाद अपनी सुविधा के अनुसार वो अयोध्या आए। अयोध्या आने का मन 22 तारीख को न बनाए, प्रभु राम जी को तकलीफ हो, ऐसा हम भक्त कभी कर नहीं सकते हैं। प्रभु राम जी पधार रहे हैं तो हम भी कुछ दिन इंतजार करें, 550 साल इंतजार किया है, कुछ दिन और इंतजार कीजिए। और इसलिए सुरक्षा के लिहाज से, व्यवस्था के लिहाज से मेरी आप सबसे बार बार प्रार्थना है कि कृपा करके, क्योंकि आप प्रभु राम के दर्शन, अयोध्या का नव्य भव्य दिव्य मंदिर आने वाली सदियों तक दर्शन के लिए उपलब्ध है। आप जनवरी में आए, फरवरी में आए, मार्च में आए, एक साल के बाद आए, दो साल के बाद आए, मंदिर है ही, और इसलिए 22 जनवरी को यहां पहुंचने के लिए भीड़भाड़ करने से आप बचिए, ताकि यहां जो व्यवस्था है, मंदिर के जो व्यवस्थापक लोग हैं, मंदिर का जो ट्रस्ट है, हमें इतना पवित्र काम उन्होंने किया है, इतनी मेहनत करके किया है, पिछले 3-4 साल से दिन रात काम किया है, उनको हमारी तरफ से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और इसलिए मैं बार बार आग्रह करता हूं कि 22 को यहां पहुंचने का प्रयास हम न करें। कुछ ही लोगों को निमंत्रण गया है, वे लोग आएंगे और 23 के बाद सारे देशवासियों के लिए आना बड़ा सरल हो जाएगा।